So now we'll have the discussion on the Citizenship Act 1955, which would specifically talk about the acquisition and loss of citizenship. सो यू नो दैट वैन वी बर डूइंग द प्रीवियस लेक्चर ऑन द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद सिटीजनशिप वी हैव सीन दिस आर्टिकल नंबर इलेवन विच सेस पार्लियामेंट हैज़ गॉट द पावर बाई द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स एफ टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ एंड देफ ओ पार्लियामेंट केम अप विद दिस सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव क्योंकि फिफ्टी में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बना था मतलब uh, बना नहीं था मतलब कमिंस हुआ था सो इमीडिएटली यू नो इन द कपल ऑफर्स ओनली दे मेड दिस लॉ तो सिटीजनशिप ये जो एक्ट है 1958-55 uh, का सो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट सो फर्स्टली दिस एक्ट इफ दे आस्क यू द बेसिक कंटेंट दैट दिस एक्ट डील्स विद व्हाट सो दिस एक्ट डील्स विद एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही हुआ है फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स बट आफ्टर वॉट विल हैपन दिस एक्ट वॉज मेड फॉर दैट ना ओरिजिनली दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जो कॉमनवेल्थ नेशनस का ग्रुप है उसकी सिटीजनशिप को लेकर भी कुछ प्रोविजन थे बट दिस वॉज रिपील्ड बाई द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थ्री सो यू जस्ट रीन टू रिमेम्बर दट नाउ दर इज़ दिस प्रोविजन डजेंट इन कम पास दिस ठीक है दिस इज दिनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर Now let's try to see what are the provisions with in this act with respect to acquisition and loss. ye samajhna ab zaruri hai Acquisition matlab how you are acquiring, like how how you can acquire the citizenship of India. Acquire means कि आपको कैसे मिल सकता है? अब यहाँ के नागरिक कैसे बन सकते हो? So five ways they have given in this particular act. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक आसाम अकॉर्ड पर भी सेगमेंट दिया हुआ है बिकॉज दिस वॉज डन बाई एन अमेंडमेंट इन नाइनटीन थर्टी फाइव टू दिस एक्ट ओनली बट इसको मैं अभी नहीं लूँगी आपके बुक में यू विल फाइंड इट अलॉन्ग विद द टॉपिक बट आई विल टेक इट अप लेटर बिकॉज आई हैव टू रिलेट द आसाम अकॉर्ड विद सम अदर टॉपिक्सो सो दैट आई डू इन द कमिंग लैक्चर्स फॉर द टाइमिंग जस्ट रिमेंबर अबाउट दीज फाइव वेज

इफ यू आर बॉर्न इफ एनी पर्सन इज बॉर्न ऑन और आफ्टर ट्वेंटी सिक्स्थ ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो इसको ही कट ऑफ इनिशियल कट ऑफ नाउ यू हैज सीन अ सो मेनी डेट्स इन ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट लाइक नॉट नॉट दीज वन बट स्पेली दीज टू आर अबाउट डेट्स सो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज विदेट्स जस्ट रफली गेट एन आइडिया बिकॉज सी इट इज इफ दे आर गिविंग यू आइडिया अबाउट सिटीजनशिप अफकॉस दे हैव टू हैव अ कट ऑफ डेट्स ठीक है तो जहां जहां पर इंपॉर्टेंट कट ऑफ डेट्स होंगे दैट दट आई टेल यू बट रेस्ट यू जस्ट लिसन एंड इट्स ओके इवन इफ यू डोंट रिमेंबर बट द फर्स्ट ऑफ ऑफकॉर्स यू हैव टू रिमेंबर द कट ऑफ इज डायरेक्टली ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी सो इट सेज दैट इफ यू आर बॉर्ड ऑन दिस डेट और आफ्टर दिस डेट बट बिफोर फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन एटी सेवन सो बिटवीन दिस पीरियड इंक्लूडिंग दिस डेट बिटवीन दिस पीरियड इफ यू आर बॉर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स नेशनैलिटी

ठीक है यहाँ पे इन द फर्स्ट वन योर पेरेंट्स नेशनॉलिटी डज नॉट मैटर इवन इफ यू आर लाइक बॉर्न इन इंडिया बट योर पेरेंट्स वुड हैव लाइक हैविंग द नेशनलिटी ऑफ एनी वेर एल्स कोई बात नहीं है बट वो सिर्फ फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन एटी सेवन तक के लोगों के लिए है ठीक है जिनका जन्म इस पीरियड में हुआ दोज हु आर बॉर्ड बिटवीन दिस डेट सो अलॉन्ग विथ योर बर्थ योर पेरेंट नीड टू हैव ईदर ऑफ योर पेरेंट ईदर मदर ऑफ आदर वुड हैव टू हैव बीन द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ ठीक है If you are born after this date, that is 3rd December 2004, including and onwards, only you will be considered a citizen of India if both of your parents are citizens. So, you can see the progress here. Firstly, parents' nationality not mattering. Secondly, either parent need to be the citizen at the time of your birth. Now, both the parents need to be the citizen of India. Or if one is a citizen, other should not be an illegal migrant. At the time of your birth. So let's say if, if your both parents are fulfilling that criteria of being a citizen at the time of your birth, good enough. If not, if only one is a citizen, but at least the other should not be an illegal migrant. Okay? सिटीजनशिप बाई बर्थ कैन नॉट बी अक्वायर्ड बाई चिल्ड्रन ऑफ फॉरन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनी मिलियन जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज इस तरह के ही पॉइंटर्स जो हैं वो प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड सिटीजनशिप टॉपिक को डो नॉट टेक लाइटली प्रिलिम्स में अगैन क्वेश्चन हैव बीन आस्ड फ्राम दिस ठीक है सो द प्रेसिडेंट वन दैट आईव शोन यू इन द प्रीवियस वीडियो सो

so if you are born outside between this date like on or before 26th of january if you are born outside but before this cutoff date if your father is indian citizen at the time of your birth you would still be considered as the uh, citizen of india so here your birth is not mattering see here your birth mattered along with your father's or uh, mother's nationality parents nationality here and now you also have to remember this is father's provision only. this is not for mother. this is not for either parent. this is only for father. so even if you are born outside india between this cut-off da date, but your father was an indian citizen at the time of your birth, then also you can become a citizen of india. but you will not be called as citizen by birth. you will be called as citizen by descent. father, then again, if your birth has taken place outside, बिटवीन दिस डेट टेंथ ऑफ डिसम्बर नाइनटीन नाइनटी टू से थर्ड ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड फोर के पहले तक में सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन बी अ सिटीजन बाई डिसेंट इवन इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट द कंडीशन इज़ दैट ईदर ऑफ़ योर पेरेंट शुड भी इंडियन सिटीजन एट बर्थ हियर इट वॉज ओनली फादर यर ईदर पेरेंट देन आफ्टर थर्ड ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड फोर यू विल नॉट बी अ सिटीजन अनलेस योर बर्थ इज़ रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट जहाँ पर आपका हुआ है जना वहाँ इंडियन कॉन्सुलेट में अगर आपका बर्थ रजिस्टर नहीं हुआ है विद इन वन ईयर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ और विद द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर सो इधर योर बर्थ लाइक योर पेरेंट्स शुड हैव रजिस्टर्ड योर बर्थ इन द इंडियन कॉन्सुलेट विद इन वन ईयर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ और इफ़ वन ईयर एक्सपायर हो गया है देन एटलीस्ट विद द

एंड देन अगर है पासपोर्ट तो अंडर टेकिंग रजिस्ट्रेशन का आपका साइन होगा एट द इंडियन कॉन्सुलेट डो नाट गेट सो कन्फ्यूज विद दिस जस्ट रफली गेट एन आइडिया कि डिसेंट से भी आपको कैसे कैसे परमिशन मिल सकती है टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो इफ अ माइनर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ डिसेंट कि ठीक है कि फादर की वजह से या मदर की वजह से उनको सिटीजनशिप मिल गई बट ऑल्सो अ सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री तो हमारे यहाँ ना डबल ये अलाउ नहीं होता है डुबल सिटीजनशिप दैट यू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड एल्सवेयर वेर ऑल्सो देन इन दिस केस इफ अ माइनर लेट्स से डिसेंट के वजह से इंडिया के भी बन जाते हैं और दूसरे कंट्री के तो है ही देन इन दिस केस द माइनर विल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ इट डज नॉट रिनाउंस सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ऑफ अनादर कंट्री सो अफकोर्स थ्रू पेरेंट्स ओनली बट इफ द पर्सन डजेंट रिनाउंस मतलब डजेंट गिव अप ऑन द सिटीजनशिप ऑफ अनादर कंट्री द पर्सन विल सीज टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया सीज मतलब स्टॉप टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ अटेनिंग फुल एज ठीक है तो वंस यू आर लाइक फुल एज मतलब अठारह साल जब आप हो जाते हो यू आर अडल्ट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन ठीक है इफ़ इफ दैट्स डन प्रायर बाय द पेरेंट उनके हेल्प से देन दैट्स गुड इनफ

register yourselves for some 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 reasons to become the citizen now what are those criteria of registration so of course that can happen by giving an application only by the central government you is obvious hai. so any person can become a citizen of course your conditions fulfill fulfilled but otherwise any person is allowed except illegal migrant Theke? and they will need the oath of allegiance before registration so if you are re trying to become a citizen by the process of registration you will also have to have oath of allegiance theek hai ab dekhte hain conditions kya kya fulfill hona mangta hai is case mein firstly person of indian origin ki uh, you know 7 uh, years मतलब आप person of indian origin ही हैं और सात साल at least aapne india mein uh, मतलब आप रहे हो, ठीक है? 7 years at least you have been in india so either if you belong to any of these categories

माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स ऑब्वियस है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपैसिटी मतलब अट्ठारह साल भी आपका हो जाना चाहिए एंड यू आर साउंड इन एवरी सेंस हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया सो दे विल ऑल्सो लेटर बिकम द रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड सिटीजन अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपैसिटी हुज ई द पेरेंट वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द पर्सन इज इंडियन रेसिडेंट फॉर टुवेल्व मंथ्स ऑल्सो देन अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपैसिटी हुज़ रिकगगनाइज्ड इज ओसी आई ओ सी आई पे विल हैव सेपरेट लेक्चर ऑल्सो वट इज ओ सी आई द ओवर सीज सिटीजन ऑफ इंडिया हुआ लिविंग ओवर सीज सो यू नो उनके पास ओ सी आई कार्ड होल्डर होना चाहिए पाँच साल का एंड इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए बारह महीने तक नौ हाउ डू यू डिफाइन दिस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पी आई ओ सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वुड बी दैट पर्सन इफ दैट पर्सन और ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ दैट पर्सन वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन अगैन If the person or either of the parent was born in undivided India or in such territory that became part of India after August 15, 1947. So, either the person or the parent was born in that Indian territory which was undivided. Or if any territory got divided but later became part of India after 1947. आई मीन इट वॉज नॉट अर्ली अ पार्ट बट लेटर बिकेम द पार्ट तो जैसे अक्वायर टेरेटरीज वगैरह हो गए एनी सच टेरेटरी विच इज़ पार्ट ऑफ इंडिया तो उनको पर्सनस ऑफ इंडियन ऑरिजिन हम बोलेंगे एंड देन इफ यू फुलफिल इधर ऑफ द क्राइटेरिया यू नीट टू रजिस्टर योर सेल्फ बाई गिविंग एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्मेंट एंड इफ यू आर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट यू विल हैव टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड देन यू कैन इजिली बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनादर इज बाई नैचुरलाइजेशन नैचुरइजेशन क्या है अगैन एप्लीकेशन से ही होगा एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ग्रांट द सर्टिफिकेट टू यू टू एनी पर्सन एक्सेप्ट इलीगल माइग्रेंट ऑब्वियस है इफ़ द पर्सन पोजेजेज फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अब इसमें क्या है फर्स्टली द पर्सन शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाई नेचुरलाइजेशन इन शॉर्ट इफ यू बिलोंग टू एनी सच कंट्री वेयर इन इंडियन सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू बिकम अ पार्ट

इफ ही इधर रिसाइडेड इन इंडिया मतलब इफ़ यू वुड हैव इधर रिसाइडेड इन इंडिया और इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है और पार्टली इन बोथ फॉर योर पर्सनल रीजन्स मे भी और फॉर द गवर्नमेंट सर्विस में भी थ्रू आउट पीरियड ऑफ टुवेल्व मंथ्स बिफोर एप्लीकेशन डेट सो इट्स लेट्स इफ आई एम गिविंग एन एप्लीकेशन टूडे सो एटलीस्ट ट्वेल्व मंथ्स उसके पहले आई शुड हैव बीन इन इंडिया

मतलब ईदर ऑफ दी शुड बी द फुलफिलिंग क्राइटेरिया फॉर इलेवेन इलेवन आउट ऑफ फोर्टीन ईयर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट वो जो जो बारह महीने का टाइम होगा लेट्स ए आई एम गिविंग एप्लीकेशन टुडे तो एक तो उसके बारह महीने पहले मतलब वन ईयर का जो प्रायर पीरियड है ऑफ एप्लीकेशन आई नीड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर वट एवर रीजन मतलब आई नीड टू बी रिसाइडिंग इन इंडिया एंड बिफोर दैट ट्वेल्व मंथ्स ऑल्सो मतलब बिफोर दैट वन ईयर पीरियड ऑल्सो 11 out of 14 years के लिए either of these three conditions need to be fulfilled then the person needs to be of a good character and the person needs to have adequate knowledge of a language specified in the eighth schedule of the constitution we have already done the schedules so I have shown you what are the languages included in this so kyunki aapko yahan rehna hai to at least aapko yahan ka official jo languages usme se koi ek to jana hi chahiye hoga na janna chahiye hoga and

इफ़ यू इंटेंट टू रिसाइड हेयर या फिर आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं या फिर इस तरीके के कुछ भी इंटरनेशनल उसमें जाना चाहते हैं जहाँ पे कि यू नो इंडिया हिस्सा है इंडिया पार्ट है इन दैट केस ऑल्सो यू वुड बी ग्रांटेड दैट मेम्बरशिप ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ अ चॉइस दे केन डू दिस वट दे केन डू दे केन वेव ऑफ़ दवा ऑफ कंडीशन मतलब उन सब कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू साइंस फिलोसफी, आर्ट लिटरेचर वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस सो होते हैं ना डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स हु वुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ईदर ऑफ़ दिस फील्ड तो आपको ये सब कंडीशंस के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा इफ़ गवर्नमेंट वुड फील सो दे वुड वेव इट फॉर यू एंड यू वुड गेट नैचुरलाइजेशन परमिशन ठीक है द नेचुरलाइज सिटीजन ऑल्सो हैज़ टू हैव ओथ ऑफ एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया please uh, if you can write in the comment section some example of some persons who are citizen by this naturalization there is a very famous example and you would have heard about the name of the person but you might not have known that the person is here uh, via this so you can just find it out नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरेट्री सो इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक इफ समेरेटरीज इंकार इन टू इंडिया सो वॉट अबार्ट द मेम्बर्स ऑफ डोर्स टेरेटरी क्या वो भी बनेंगे या नहीं बनेंगे सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज हु अमंग द पर्सन ऑफ अक्वायर्ड टेरेटरी विल बिकम सिटीजन फ्रॉम द नोटिफाइड स्टेट एक नोटिफिकेशन डाल के वो बताएंगे कि वी हैव अक्वायर्ड टेरेटरी यू बिकम अ सिटीजन और नॉट like for example when puducherry became a part of india government of india issued this order citizenship P pondicherry was time to the name was pondicherry order under this act and then you would be considered as the citizen of india so that was all about acquiring citizenship now we have to see how your uh, loss will happen of the citizenship how will you lose the citizenship so सिटीजनशिप एक्ट 1955 की अगर बात करें सो देर आर थ्री वेज ऑफ लूजिंग द सिटीजनशिप वेदर अक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सो इधर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल आर्टिकल्स में दिए गए थे इधर अंडर दैट इफ़ यू हैव अक्वायर्ड द सिटीजनशिप और इफ़ यू हैव अक्वायर्ड लाइक विद द हेल्प ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ई दे वॉट एवर यू हैव अक्वायर्ड बट लॉस का तीन तरीका है जो इस एक्ट में दिया हुआ है वॉट आर द थ्री वेज फर्स्ट इज बाई रेनसिएशन वॉट इज दिस रेनसिएशन रेनन्सिएशन मतलब कि आपको रेनाउंस करना होगा यू विल हैव टू लीव इट सो योर रेनौंसिएशन यू विल हैव टू डू फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड दैट ऑफकोर्स हैज टू भी लाइक यू हैव टू डिक्लेयर वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आप सही सलामत हैं इन योर फुल एज एंड कैपैसिटी ओनली देन यूल डिक्लेयर दिस सो यू बिकम लाइक यू विल सीज टू बी अटीजन अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन सो इफ यू आर रेनाउंसिंग से एनी रीजन You say that I don't want to continue as being the citizen of India. You have the right to uh, renounce a citizenship also, but as soon as you will register that declaration, you will stop being a citizen of India. Okay, but if that declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld by the central government. Because it might be possible no, that you are being forced to do that. And therefore it is said ki you need to declare everything in your full age and capacity. But let's say that declaration is made during a war or some hostile situation. Just make India engagement. Then your registration of renunciation that i want to leave the citizenship i want to you know end the uh, citizenship that will be withheld by the government government usko forward karegi. and on renunciation jab kar logoi, every minor child of that person also loses indian citizenship so if i let's say i'm a parent so if i renounce my citizenship and if i have a minor child because the major child like the adult child will be able to take his or her own decision but if i have a minor child that child will also lose the indian citizenship but let's say the person after 18 years says that no i want to become if even if i my parents are not the citizen but i still want to be the indian citizen then may resume that that minor child may resume indian citizenship after attaining 18 years of age but till the time the child is minor if the parent is renouncing the citizenship, the child's citizenship will also be renounced. Another is termination. Here you are doing it willingly for whatever reason. Here you are, your thing is getting terminated. How it is happening? Automatic termination will happen when any Indian citizen voluntarily acquires citizenship of another country. So this is also very simple and obvious that if you are voluntarily acquiring the citizenship of another country. ठीक है आप जानबूझ के किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को ले रहे हो तो आपकी सिटीजनशिप uh, जो है इट ऑटोमेटिकली गेट्स डोमिनेटेड एंड इट डज़ नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज दिस ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर ठीक है कि ऑफकोर्स जैसे यहाँ पे था कि वॉर वाले केस में नहीं होगा बट इफ़ यू आर वॉलेंटरिवायरिंग अदरवाइज द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री आपकी तो खत्म हो जाएगी यहाँ पर ठीक है एंड थर्ड इज़ बाय डेप्रीवेशन वॉट इज़ डेप्रीवेशन कि आपको डिप्राइव किया जा रहा है ठीक है डिप्राइव किया जा रहा है क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा करा दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू जैसे कि सो योर कंपल्सरी टर्मिनेशन विल हैपन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ यू हैव ओपटेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड और इफ़ यू हैव शोन डिस लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इफ़ यू इंगेज इन एनी अनलॉफुल ट्रेड और कॉमर्स विद एनी एनिमी कंट्री ड्यूरिंग अ वॉर और इफ़ यू वर इम्प्रेजेंट इन एनी कंट्री फॉर टू ईयर्स विद इन फाइव ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नैचुरलाइजेशन सो ये जो पाँच तरीके हमने करें ना ऑफ एक्विजीशन उसमें दो था ना एक नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन वाला जो कि आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल रहा था ठीक है सो इफ यू हैव अक्वायर्ड द सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन और नैचुरइजेशन एंड विद इन फाइव ईयर्स ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप इफ यू आर इम्प्रिजेंट इन समर कंट्रीज जेल फॉर टू ईयर्स देन ऑल्सो आपका वो खत्म हो जाएगा इंडियन सिटीजनशिप एंड इफ यू आर रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर कंटिन्यूस सेवन ईयर्स आपने इंडियन सिटीजनशिप तो रखी हुई है बट आप सात कंटिन्यूस साल के लिए बाहर रह रहे हो देन ऑल्सो योर सिटीजनशिप वो वुड भी डिप्राइव ऑफ दैट ठीक है अंटिल यू गो फॉर द कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन एसेट्रा सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रीवियस वन इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द अमेंडमेंट टू दिस एक्ट ठीक है

वी डायरेक्टली लाइक यू नो फ्रॉ द गजट ऑफ इंडिया दिस इज द ओरिजिनल एक्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहां देखेंगे एक बार ताकि हमें ये समझ में आए कि हाउ द थिंग्स हैव चेंज सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर टल दैन बाय बाय